ये देसी मलाई और ये जा रही है मेरी चाय में। ये ले लो, हम आपके लिए भी ले लो। ये बिस्किट है, बिस्किट। बॉटल्स का कितना अच्छा यूज है ना। मेरी अम्मा अभी तक उधर खड़ी हैं, देख रही हैं, और ये दिस ओनली मम्स कैन डू। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माइन। आज की वीडियो बड़े मज़े की होने वाली है, क्योंकि आपको देखने को मिलेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहर वाह, और ये जो तहजीब है ये जीटी रोड पे, जब आप इस्लामाबाद से वाह की तरफ आ रहे होते हैं तो इन टैक्सला ये तहजीब है। और आए आपको अंदर लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि हमने क्या लिया। पाकिस्तान में मौसम भी खूबसूरत है, लोग भी खूबसूरत हैं, जगह भी खूबसूरत हैं, और यहाँ जो सर्विस मिलती है वो भी वन ऑफ इट्स काइंड है, क्योंकि ये सर्विस आपको दुनिया में कहीं पे नहीं मिलती। बिल्कुल थोड़े से पैसों में बहुत अच्छी सर्विस। अब यहाँ रुके थे केक ख़रीदने के लिए, उसको कस्टमाइज भी वो कर देती हैं। ये टेस्ट करने के लिए ये तहजीब बड़े मज़े की है, क्योंकि बड़ी शॉप है यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हैं डिफरेंट वैरायटी के सैलड्स भी हैं, पास्ता भी है, बिस्किट्स भी हैं, केक्स भी हैं, डोनट्स भी हैं, और तो और यहाँ से फ्रेश पिज़्ज़ा भी मिलता है जो शहीद ने लिया था। और अगर आप इनको पहले ऑर्डर दें तो ये आपके लिए बिल्कुल जैसे आप चाहते हैं वैसे केक को कस्टमाइज़ कर देते हैं। मेरे पास इतना टाइम नहीं था तो मैंने वहाँ खड़े खड़े करवाया, और वो भी उन्होंने बहुत नाइसली डन करके मुझे दे दिया। तो जहाँ हम अपने मुल्क की बहुत बुराइयाँ करते हैं, वहाँ जब अच्छी चीज़ें देखें तो उसको भी ज़रूर शेयर करना चाहिए। हमारा मुल्क वाहिद मुल्क होगा दुनिया का जहाँ पे पार्किंग हर जगह पे फ्री है, जहाँ आपको इतनी स्पेशलिस्ट सर्विस मिलती है मिनिमल चार्जेस पे, जहाँ गाड़ी में पेट्रोल भी कोई और भर देता है, जहाँ बिल्कुल थोड़ी सी अमाउंट पे आप ज़बरदस्त मेड्स रख सकते हैं जो 24 आवर्स आपको सर्व करेंगी। लो जी, यहाँ हमारा ज़बरदस्त केक जो हम बनवाना चाहते थे उसके ऊपर वो लिख रहे हैं, जो हम जो मैसेज हमने बताया था उन्होंने फटाफट लिख दिया, एंड आर केक वाज रेडी। अभी अभी आपने अपने खाने के लिए कुछ लेना तो ले लें, नहीं ऐसे वैसे खाने के लिए। ना बिल्कुल, आप बस डोनट्स को छोड़ दो, ये ले लो, हम आपके लिए भी ले लो। और ये हमारा अपना वतन ही है जहाँ पे हम पत्नी आधा किलो बिस्किट तो चक के लोग पूरा कर देते हैं। सब्जी खरीदने जाएं, फ्रूट खरीदने जाएं, लोग आराम सुकून से पहले तो एक दो आइटम उठा के चेक करते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपने अभी तक नहीं चेक किया तो तहजीब के बेकरी वाले बिस्किट ज़रूर चेक किएगा, और ये बड़े नाइस टिन्स में इन्होंने पैक किए हुए होते हैं जो परफेक्ट हैं गिफ्ट करने के लिए यूके में किसी को, जब आप पाकिस्तान से यहाँ आते हैं। तो ले जी, हमारी हुई शॉपिंग कंप्लीट और अब हमने सफ़र शुरू कर दिया है। लाना नहीं है आपको, फिर शाम को दूसरी लगाऊंगी, ठीक है। मेरे को मामा को दिखाना जाके, क्या ना मामा, खाला ने मुझे नेल पॉलिश लगाई है। क्या लगाया है? जिद्दो पटाखो तेज इतनी है, शेर को कह रही है नट गया, बिजली नहीं गई। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि यूके की ज़िंदगी बिल्कुल मशीनी ज़िंदगी है, जहाँ पे लोगों के पास डे टू डे छोटी छोटी चीज़ें इंजॉय करने का कोई टाइम नहीं है। हर एक बंदा दौड़ में लगा हुआ है, और बस लोग काम पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं, वापस आते हैं, खाते पीते हैं और सो जाते हैं, और वही डेड वेदर। मज़े की फिश लग रही है, लग रहे
लो जी, हमारे लिए लविश सा ज़बरदस्त होममेड खाना तैयार था। हमने मज़े लेके खाया। माशाल्लाह, बिरयानी थी, पुदीने की चटनी थी, फिश थी, केक था, सैलेड, बड़ा मज़ा आया। जब मैं नई नई यूके आई थी ना, मैं बड़ी लच्छेदार प्याज़ों को मिस करती थी। जो सैलेड के प्याज का जायका पाकिस्तान में, वो कहीं भी नहीं है। मेरे बच्चे जब से बहुत छोटे से थे, मैं उनको लाजमी पाकिस्तान लेके जाती हूँ, और कोशिश होती है हर साल लेके जाऊँ ताकि वो फेमिलियराइज हो जाए वहाँ के कल्चर से, और वो इतना ही इंजॉय भी करते हैं। करीब से दिखाओ ना। Then you have two stickers of Superman. यूके में अक्सर लोगों के पास ये छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट करने का टाइम ही नहीं होता, क्योंकि लाइफ इतनी बिजी है। बहुत अच्छे लग रहे हैं। ये सारा इसने खुद डेकोरेट किया है। वेरी नाइस। वो देख सर, अल्लाह जी, कैद खाने में डॉल्स। ब्रोनी भी थे पहुंचे। मैं तो जब यूके गई ना, तो पाकिस्तान की एक एक चीज़ को इतना मिस करती थी। ये जो बेडरूम की वाइब है, इसको, बिजली के जाने को, पसीने के आने को, ये जो मिल के यहाँ पे गपशप होती है कि कपड़े देख रहे हैं एक दूसरे के, किसी शादी पे जाना है तो जी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है कि कपड़े कौन से पहनने हैं, जूते क्या होंगे। नन ऑफ दिस एग्जिस्ट इन यूके। मैंने तो पाकिस्तान की टॉफीज और क्रिस्प और ये चीज़ें भी बहुत मिस की। एक अरसा तक तो जब नए नए यूके गए थे तो दिल वैसे ही उदास रहता था। जो चीज़ें, जो हॉबीज़ पसंद भी थी, उनमें भी मज़ा नहीं आता था। कि हर चीज़ में लगता ये था कि हाँ, अगर यही चीज़ पाकिस्तान में हो तो हमें कितना अच्छा लगे। इन शॉर्ट ये कि हम पाकिस्तानियों का दिल चाहता है कि हम यूके में भी पाकिस्तान हो। और वक्त की तरक्की के साथ बहुत सी चीज़ें तो ऐसी हैं जो अब हर जगह दस्तयाब हैं, लेकिन ज़ाहिर है अब कल्चर कहीं पर लेके नहीं जा सकते। जो पौधे यहाँ लगते हैं वो वहाँ लेके जा नहीं सकते। जो सब्ज़ियों का जायका यहाँ पे है वो वहाँ पे नहीं मिलता। और जिस तरह यहाँ सीजनल फ्रूट होते हैं वो भी नहीं होते वहाँ पे। अच्छा खाना है। Do you like it? Yeah. Okay. एक दिखाओ। Welcome Shini. I used to do my arms like that. Thanks. ये देखो, आप काट दीजिए उसको। Right hand sir, please. Right hand. I will get the S and the H. Push. Use your right hand. Oh my God. अब मरीम को भी काट दीजिए ना। Give me now. अच्छा। Do you know how to do this? Okay. यहाँ जी जो वेलकम टू शहीर केक था, वो उसकी कटिंग हो रही थी, और साथ गपशप और चिट चैट, और किड्स इन छोटे छोटे मोमेंट्स को इतना एंजॉय करते हैं कि ना पूछे। और ये जा रही है मेरी चाय में। और यहाँ जी जो बच्चों ने, इन कजन्स ने एक दूसरे को गिफ्ट दिए थे, वो खोल रहे थे। देखिए उन्होंने कितनी मेहनत से पैक किए हुए हैं। हमने भी अपने बचपन में अपने कजन्स के साथ बहुत इंजॉय किया है, एंड आई लव टू फैसिलिटेट दीज किड्स। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब एक दूसरे के साथ इंजॉय करते हैं, बल्कि मुझे बच्चों के साथ टाइम गुजारना, उनको ऑब्जर्व करना कि वो किस तरह हंसते खेलते हैं, क्या गपशप लगाते हैं, मुझे बड़ा ही मज़ा आता है।
Wow. Whoa. So ding dong splash strawberry. Dingam jelly, I know you like that. Share with Ashra as well. Triple kokomo. Triple cream. Thank you. शेर ये तो जब भी बना के दूंगी खाएगा खाए तो बनाऊं मैं बहुत मजे की चीज है खाए तो बनाऊं ना इतनी मेहनत करूं जैसे बचपन में हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे करते थे तो याद है आप कोकोनट की भी ऐसे बनाती थी एक मिठाई से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम उसमें भी सूजी डाल के अब इसको फ्रीज भी कुछ करोगे क्या करोगे हाँ ठंडा करें इसी तो बात टुकड़ियाँ चाल गई सी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मम्मी बस हमेशा ऐसे ही बनाती थी टेढ़ियाँ तां बनाती हो बच्चे समझन बर्फी पाकिस्तान दी मौजा वी आर एंजॉयिंग गुड टाइम वेदर और फैमिली ये देखें मीठा मरियम और मुझे इनके घरों की जो ग्रीनरीज है ना आई लव देम ये मेरी अम्मा के जो मज़े हैं ना आज मरियम का रिजल्ट है और हम जा रहे हैं हम सारे मिल के बाजमात मरियम का रिजल्ट लेने मज़े की बातें हैं ना पाकिस्तान में कुछ ऐसी फ्लेक्सिबिलिटीज़ हैं जो यूके में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करती तो वी आर नॉट यूज टू देम तो बड़ा मज़ा आता है और अभी यहाँ पर सर्दियाँ शुरू होने वाली हैं लेकिन स्टिल लुक एट द वेदर हाउ ब्यूटिफुल इट इज़ हाउ सनी इट इज़ यूके में सख्त गर्मियों में भी ऐसी धूप नहीं होती जो इस वक्त सर्दियों में यहाँ पे है मेरी अम्मा अभी तक उधर खड़ी हैं देख रही हैं और ये दिस ओनली मम्स कैन डू वायर की खजूर भी लगी हुई है उसके ऊपर आप देखें जी बहुत से फॉरेन कंट्रीज़ में जो ब्यूटी या ग्रीनरी है वो मैन मेड होती है और पाकिस्तान में जो सारी ग्रीनरी है ये जो है ये कुदरती तौर पर ग्रो हुए हुए ट्रीज़ हैं सो इट लुक्स रियली ब्यूटीफुल लेकिन अफसोस तब होता है कि जब हम पाकिस्तानी अपने मोहल्ले गलियों को ओन नहीं करते और इस किस्म का कचरा और गंद फेंक देते हैं अब हमारी इस तरह की हरकतों के पीछे किसी पॉलिटिशियन का कोई हाथ नहीं है माँ सिवाए कि हम इसके रिस्पॉन्सिबल हैं ले जी मरियम का स्कूल आ गया है यहाँ पे मरियम के स्कूल ये देखो मरियम की पिक्चर भी लगी हुई है और ये बच्चे भी आई थिंक यहाँ पे हम जा रहे हैं वाह की बस्ती की तरफ और अगर आपको नहीं पता तो वाह इज़ वन ऑफ द स्मॉल सिटीज़ इन पाकिस्तान और इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पे एजुकेशन का रेट बहुत हाई है अपेरेंटली ये वो बिरयानी स्पॉट है जहाँ से कि बिरयानी बच्चों को बहुत पसंद है और इस गड्डी को कैप्चर करने का जो हमसे आगे जा रही है मकसद है कि यहाँ का गारबेज कलेक्शन सिस्टम है और यहाँ पे भी ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है कि गाड़ी आती है जो जगह जगह जैसे घूमेगी और ये जिसके ऊपर लिखा हुआ है कैंट बोर्ड एंड ये हर जगह से रबिश कलेक्ट करेगी लो जी यहाँ पे हम एक्चुअल बस्ती में पहुँच चुके हैं अगर आप गौर करें तो वह अच्छा खासा साफ सिटी है और दरख्त लगे हुए हैं सड़क के दोनों साइड्स पे और बिकॉज इट्स वेरी क्लोज टू इस्लामाबाद तो यहाँ टेम्परेचर भी मॉडरेट होता है और दूसरा पिंडी और इस्लामाबाद में लिविंग अब खासी एक्सपेंसिव हो चुकी है तो पीपल कैन एक्चुअली स्टे इन प्लेसेस लाइक वाह और वहाँ से कम्यूट करना भी रिलेटिवली आसान है क्योंकि इस्लामाबाद इतना दूर नहीं है लो जी यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं डाउन टाउन वाह या बस्ती कह लें और लेफ्ट और राइट पे दुकानें थी कपड़ों की दुकानें खाने पीने के स्पॉट्स और रीज़नेबली वेल मेंटेन्ड सिटी है वाह तो बड़ा हमें मज़ा आया अभी आगे जाके हम आपको दिखाएंगे कि हमने नाश्ता कहाँ से लिया शॉपिंग कहाँ से की लो जी ये छोटा सा जबरदस्त कैफे और नाम उसका और ही जबरदस्त है वफादार कैफे यहाँ पे भी हमने ऑर्डर प्लेस किया अपने नाश्ते का और साथ ही मरियम और शहीद के कहने पे हम गए जी स्मार्ट में और सब शॉपिंग चलो मम्मी
लगी चलो शेयर ही कर लो मरियम ये वाला ना जल्दी आ जाओ वो बैकग्राउंड में देखें जी वो बंदा ऑमलेट फेंट रहा था और ये टकाटक के नालू के पराठे में कट्स लगा रहा था ताकि अंदर तक जरा उसका टेस्ट जाए और ये हमारा नाश्ता रेडी हो गया इतने मज़े के आलू वाले पराठे और प्लेन पराठे विद चटनी। और जी अगर आप खाना हो वहाँ तो ज़रूर इस स्मॉल से कैफ़े को ट्राई करें। लो जी अब हम जा रहे हैं वापस घर की तरफ लेकिन रास्ते में ये फ्रूट की रेड़ियाँ देखते जाएं और बड़ा मज़ा आता है मुझे अपने मुल्क की ट्रेडिशनल चीज़ें देखने को। बस हम काश के अपनी चीज़ों को ऑन करके थोड़ा सा मेंटेन किया करें ना। मुझे गन्ने का जूस बनते हुए देखने में भी बड़ा मज़ा आता है और पीने में भी बहुत टेस्टी होता है। हाउ जी आपका हाउ वाज द एक्सपीरियंस? रियली गुड। डिड यू एंजॉय वा बीइंग इन वा इन पाकिस्तान? दिस वी गॉट अ बिग किंडर जॉय एंड वी गॉट बलादा टेयर सो मच जंक एंड दैट वाज बिकॉज़ मरियम डिड रियली रियली वेल इन हर एग्जाम। मैं तो समझ ये पढ़ती नहीं है ये नहीं पढ़ता अगर आपको ऐसे वीडियोस पसंद हैं तो देयर विल बी मोर कमिंग अप। ब्रेकफास्ट एडवा आलू बुखारा चटनी इमली चटनी देसी बालाई प्लेन पराठास आलू वाले पराठास ऑमलेट।